गाइज, अगर आपके चेहरे पे भी समय से पहले बुढ़ापा आता जा रहा है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ढलकने लगी है, ढीली पड़ती जा रही है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आज का पैक आपको 101% रिजल्ट देने वाला है। प्लीज इसको ट्राई करें, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। आपको कोई महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं, कोई एजिंग क्रीम अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपकी मनी तो सेव होगा ही होगा और आपकी स्किन का टेक्सचर इतना अच्छा हो जाएगा। लगातार आपको बस 7 दिन तक अपनी स्किन पर लगाना है, उसके बाद आपको आपके स्किन पर ह्यूज डिफरेंस देखने को फील होगा। ठीक है, चीजें जो हमें इसको बनाने के लिए चाहिए, उसके लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। ठीक है, फटाफट से बनेगा और रिजल्ट अल्टीमेट देने वाला है। चलिए, अगर आप भी 25 साल के हो चुके हैं तो उसको ट्राई जरूर करें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे अलसी। अलसी आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इन केस अगर आप उसको इनटेक करते हैं तो भी आपकी स्किन अंदर से निखरेगी, और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो भी आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। हमारी स्किन में क्या होता है, डेली जो हमारी सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, वो डेली डैमेज होते हैं और डेली रिपेयर होते हैं। रिपेयर कब होते हैं, जब हम अच्छी डाइट लेते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में रोजाना की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, साथ में कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे या वॉक नहीं कर रहे, तो आपके क्या होता है, जो सेल्स हैं वो रिपेयर होना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद आपकी स्किन डल होने लगती है, काली पड़ने लगती है और आपके समय से पहले बुढ़ापा आपके चेहरे पर दिखता है। तो बेसिकली अलसी में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है जो आपकी स्किन को रीजेनोवेट करता है, जो भी आपके सेल्स ब्रेकेज हो रही है उनको रिपेयर करता है। तो यहाँ पर अलसी को हमने जो बीज है परचून की दुकान से इजीली मिल जाएंगे, बहुत सस्ती मिलती है, सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। राइट, जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक पैन लिया है, बिना घी के बिना ऑयल के आपने इसको रोस्ट करना है इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। रोस्ट करने के बाद ये हल्के हल्के से कुरकुरे से हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, आपको फील होगा इसकी आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी, देन आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे, इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। पाउडर बनने के बाद हमें एक और चीज़ फॉलो करनी है, इसको हमें छानना है, क्योंकि जो अलसी का छिलका होता है काफ़ी हार्ड होता है, मोटा होता है, तो वो हमारा पैक बनने में बहुत प्रॉब्लम देगा। आपको छन्नी लेनी है इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल छान लेना, तो जो भी इसका मोटा छिलका हो जाएगा वो छन्नी में रह जाएगा, जो महीन जो बारीक पाउडर होगा वो इस तरह से नीचे आ जाएगा। अब इस पाउडर में हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे। फर्स्ट है लेमन। लेमन आपके स्किन पे जितना भी पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डलनेस है, उसको दूर करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन लुक देता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन इरिटेट होती है लेमन से तो आप इसमें टमाटो का जूस भी ऐड कर सकते हैं। टमाटो से भी आपको एलर्जी है तो आप इसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें पूरा 1 लेमन ऐड करूँगी क्योंकि मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है। 3rd इंग्रेडिएंट है हमारा, लास्ट इंग्रेडिएंट, वो है हनी। हनी बेसिकली आपके स्किन को मॉइस्चर देती है, ग्लोइंग इफेक्ट देती है, आपके स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाती है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को टाइट करती है, फर्म करती है। तो तीनों चीज़ों को बस हमने मिक्स करना है, और जो बाकी का पाउडर आपने बनाया है उसको आप किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि रोजाना आपका टाइम वेस्ट ना हो। बस पाउडर निकाला, दोनों चीज़ें मिक्स करी और अप्लाई कर लिया। अब जान लेते हैं इसके सही टाइमिंग्स क्या है। सही टाइमिंग्स होते हैं रात को सोने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें, जो भी डस्ट है, मेकअप है, कुछ भी है उसको क्लीन करें, देन इसके बाद आप अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप 5 मिनट तक अपवर्ड पोजीशन में मसाज करेंगे ताकि आपके डीपली लेयर्स में जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसको रेस्ट लेने देंगे अपनी स्किन पर एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। ऐसा आपने लगातार 7 दिन तक करना है, जिससे कि आपको डिफरेंस फील होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसकी एज लिमिट क्या है। वैसे आप 25 के बाद इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली इस रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने ऐड करे हैं उसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 12 साल के हैं या फिर 70 साल के हैं, मेल है, फीमेल है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं जाता, लाइक करने में लाइक भी कर दिया कीजिए मेरी मेहनत के लिए, जो आप लोगों के लिए मैं रोज कुछ नया लेकर आती हूँ। इसके साथ साथ आप मुझे अपना प्यार इंस्टाग्राम पे भी जरूर दें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra। मैं मिलती हूँ आपसे कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।